चलिए पार्ट टू में 20 प्रश्न हो गए थे पार्ट फर्स्ट में, तो अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट में प्रश्न नंबर 21। सभी केशनव संस्करणों में कंडम व्हील व्यास होता है, तो जो न्यू का होता है वो 1000 mm होता है और कंडम का 906 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, वाइड नेरो जा एडाप्टर साइड लकी वियर लिमिट क्या है, तो 3 mm है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 है, केशनव 22 बोगी के भीतरी स्प्रिंग की नॉर्मल फ्री हाइट क्या है, तो 243 mm है, याद रखिएगा साथियों। यहाँ पे नंबर 24 नंबर का प्रश्न है, केशनव बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेटों में किस प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता है, तो वो सिलिको मैग्नीज स्टील का प्रयोग किया जाता है। ड्रा बार रिक्लेमेशन में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है, तो D&E टाइप का किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज यूज्ड इन ड्रा बार रिक्लेमेशन, तो इसमें D&E टाइप का किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, बॉक्स M1 वैगन का एक्सल लोड कितना होता है, तो ये आपके होता है 22.9 ले सकते हैं इसको। बॉक्स NEL वैगन का एक्सेल लोड कितना होता है, यहाँ जो पूछा था वो बॉक्स M फर्स्ट का पूछा था, यहाँ बॉक्स NEL वैगन का पूछा है, तो वो आपके 25 टन हो जाएगा। BBZI वैगन का अधिकतम कितनी गति कितनी है, तो वो है 100 km/h। लोडेड BR वैगन की अधिकतम स्पीड क्या है, तो लोडेड की है 75 km/h। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के गुड़ी स्टॉक के मरम्मत परीक्षण एवं इंटरचेंज के नियम किस प्रकाशन में समाहित किए गए हैं, तो वो इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस रूल पार्ट 3 में किए गए हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सीडेंट डैमेज वैगन को कंडम करने का सक्षम प्राधिकारी कौन है, तो ये PCME है, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की मरम्मत POH के दौरान की जाती है, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। एकल पाइप ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम के AR को कितने दाब से चार्ज किया जाता है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर को, तो 5 kg/cm² से चार्ज किया जाता है। दोहरी पाइप ग्रेजुएट रिलीजर एयर ब्रेक सिस्टम के ऑक्सिलरी रिजर्वायर को फीड पाइप दाब से चार्ज किया जाता है। एयर ब्रेक सिस्टम के होज कपलिंग को 10 kg/cm² दाब से टेस्ट किया जाता है। POH के दौरान स्लिक एडजस्टर के किस पार्ट को बदलना आवश्यक नहीं है, तो क्लच स्प्रिंग को बदलना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, खाली बॉक्स एंड वैगन में पिस्टन स्ट्रोक 85 mm ±10 होता है। प्रश्न नंबर 38 है, 1000 से 982 mm के बैच के व्हील व्यास वाले बोगी में ब्रेक एडजस्टमेंट करने के लिए इंड पुल रोड पिन के ए होल का उपयोग किया जाता है। एयर ब्रेक सिस्टम में बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम होता है BMBS। यहाँ APD की फुल फॉर्म पूछिए, तो APD की फुल फॉर्म हो जाएगी एंटी फ्लिपरेज डिवाइस, जो कि मैंने आपको एब्रीविएशन के टॉपिक में बताया है। यहाँ पूछा है ELS, तो ELS की फुल फॉर्म हो जाएगी MPT लोब्ड शाफ्ट्स, जो कि आपके हेड अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं होती है MPT लोब्ड शाफ्ट। CBC ड्राफ्ट गियर असेंबली में सबसे कमजोर कड़ी नकल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ है साथियों, कई बार मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, रट लीजिएगा। प्रश्न है, CBC ड्राफ्ट गियर असेंबली में सबसे कमजोर कड़ी है, यानी कि इन CBC एंड ड्राफ्ट गियर असेंबली नकल इज द वीकेस्ट लिंक। प्रश्न नंबर 43 है, मार्क 50 ड्राफ्ट गियर को डिसमेंटल करने के लिए 40 टन क्षमता का प्रेस की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 44 है,
राणे का इंडस्ट्री लिमिटेड के पार्ट्स में मार्किंग RIL रिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ROH के दौरान मस्ट चेंज आइटम है? तो वो स्ट्राइकर कास्टिंग वियर प्लेट मस्ट चेंज आइटम है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46, वैगन पॉकेट के ड्राफ्ट गियर को निकालने के लिए ड्राफ्ट गियर को लगभग कितना कंप्रेस करना पड़ता है? तो वो 1/4 इंच करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 47 है, RF-361 ड्राफ्ट गियर के रूट इन वेल्डिंग के लिए MIG वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस प्रकार का वेल्डिंग प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों, CBC को सेंटर बफर कपलर को स्क्रू कपलिंग के साथ ट्रांजिशन कपलर लगाकर जोड़ा जाता है। सेंटर बफर कपलर के कंडीशन को चेक करने के लिए गेज का प्रयोग करते हैं। बॉक्सैन वैगन में किस प्रकार की बोगी का प्रयोग होता है? तो बॉक्सैन में केसनब बोगी का होता है, LH में फिएट का होता है। केसनब बोगी का व्हील बेस 2000 mm होता है, याद रखिएगा साथियों, और LHB का 2560 होता है और ICF-RCF का 2896 mm होता है, तीनों याद रख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा केसनब बोगी का हिस्सा नहीं है? तो जो केसनब बोगी का हिस्सा देख लेते हैं, बोलस्टर ये तो केसनब बोगी में होता है, स्प्रिंग प्लांक ये भी केसनब बोगी में होता है, स्प्रिंग ये भी केसनब बोगी में होती है, सोल बार होता है जो कोच का हिस्सा होता है वो बोगी का हिस्सा नहीं होता है। तो आंसर आ जाएगा आपके सोल बार। सोल बार की मोटाई 5 mm होती है और LHB में 6 mm होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 53, स्प्रिंग प्लांक माइल्ड स्टील का बना होता है, याद रखिएगा साथी। केसनब बोगी में स्प्रिंग को इस प्रकार ग्रुप किया जाता है कि ग्रुप के स्प्रिंग की फ्री हाइट में 3 mm से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इलास्टिक में पैड लगाने का उद्देश्य क्या है? तो ये व्हील फ्लेंज वियर को कम करती है, इसका उद्देश्य यह है। नेक्स्ट है, केसनब बोगी के साइड फ्रेम को मरम्मत करने के लिए डाउन हैंड वेल्डिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये वैसे उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे कि डाउन हैंड वेल्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये उल्टा ऐसे पूछा जा सकता है कि डाउन हैंड वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, तो केसनब बोगी के साइड फ्रेम को मरम्मत करने के लिए किया जाता है डाउन हैंड वेल्डिंग का प्रयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रट लीजिएगा। बोगी असेंबली के एंटी रोटेशन लग और बोलस्टर के बीच 4 mm क्लियरेंस होना चाहिए। प्रश्न नंबर जो 58 है वह है, 20.32 टन XL लोड वाले केसनब 22 NLB में 12 आउटर स्प्रिंग होते हैं, याद रखिएगा साथी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट है आपके 59, 20.32 टन XL लोड वाले केसनब 22 NLB यानी ये बोगी है केसनब 22 NLB बोगी में इनर स्प्रिंग कितने होते हैं? तो 8 होते हैं, याद रखिएगा। और ये जो प्रश्न है छुट्टियों से संबंधित आ गए साथियों, औसत वेतन कितने दिनों के लिए जमा किया जा सकता है? तो 300 दिन है, LAP 300 तक इकट्ठा की जा सकती है और सेवानिवृत्ति के समय 300 का ही नकदीकरण किया जाता है, 300 से ऊपर यदि हम जोड़ते हैं तो वो लैप्स हो जाती है। लघु शास्ति के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? तो लघु शास्ति के लिए SF-11 और बड़ी शास्ति के लिए SF-5। कारखाने के ऑक्यूपायर CWM साहब होते हैं और प्रोडक्शन यूनिट्स के जो उत्पादन इकाइयाँ होती हैं NWR के जोन में जो होती हैं उनके होते हैं PCME और कारखाने के ऑक्यूपायर होते हैं CWM साहब, दोनों बता दिए याद रखिएगा। प्रश्न नंबर यहाँ 63, कारखाना स्टाफ का एक सप्ताह में कुल कार्य घंटा होता है? तो एक सप्ताह में 48 घंटे होते हैं, याद रखिएगा 48 घंटा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, फैक्ट्री एक्ट का प्रश्न है, फैक्ट्री एक्ट टॉपिक से लिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। कारखाने स्टाफ का एक सप्ताह में कुल कार्य घंटे 48 घंटे होते हैं। और नेक्स्ट है, वेरिसा रायपुर के लिए प्रोत्साहन की सीमा निर्धारित है, तो वो 50% है। इंसेंटिव की जो सीमा निर्धारित है वो 50% है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 65 है, प्रोत्साहन अनुभागों की देखरेख करने वाले वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर को उसके मूल वेतन का 15% मासिक बोनस भुगतान किया जाता है।
एसएससी को 15% भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी मालगाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कपलर है, तो वो ई टाइप का कपलर यूज होता है भारी गाड़ी चलाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये जो नेक्स्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप याद रखिएगा। रबर पैड का उपयोग RF-361 प्रकार के ड्राफ्ट गियर रखरखाव के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा RF-361। 200 टन क्षमता वाले प्रेस मशीन का उपयोग MK-50 ड्राफ्ट गियर के प्रीशोटिंग के लिए किया जाता है। और यहाँ पूछा है बॉक्स एंड वैगन का पहिया का कंडम व्यास पूछा है, तो 906 mm होता है और नए का 1000 mm होता है। LHB का यहाँ आपके 915 न्यू और 855 कंडम होता है। और वहीं RCF ICF की बात करें तो न्यू का 915 और कंडम का 825 होता है। और यहाँ आपके BVZC वैगन की पहिया की कंडम पूछी है, तो वो आपके 860 होता है। BVZC वैगन पहिया कंडम व्यास जो होता है वो आपके 860 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20.32 टन एक्सल लोड वाले केसनब 22 NLB में 4 रबर स्प्रिंग होते हैं, एक व्हील डिफेक्ट नहीं है, तो वो आपके ब्रोकन स्प्रिंग आएगा इसमें। CTRB में ग्रीस लुब्रिकेंट का प्रयोग होता है, क्वार्टर्स टेपर रोलर बियरिंग। व्हील के एक तरफ 3 कैप स्क्रू लगाया जाता है, याद रखिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हील के एक एंड कैप स्क्रू को टॉर्क रेंच में राइट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और नेक्स्ट है, रूफ होता है जो खुले वैगन का हिस्सा नहीं होता है। रूफ इज नॉट पार्ट ऑफ जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन वैगन। यहाँ बोगन जो वैगन बॉडी है उसका कोरोजन के क्या क्या कारण है, तो कोरोजन बॉक्स एंड वैगन में कोरोजन कैसे कैसे लग सकता है, उसके 3 कारण यहाँ बताए गए हैं। पहला है वाटर लॉगिंग, और दूसरा है खराब पेंटिंग, और तीसरा है कोरोजिव कंसाइनमेंट। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 78 है, 878 है, बॉक्स एंड वैगन के पैनल पेचिंग रिपेयर के लिए 5 mm मोटाई का पेच लगाया जाना चाहिए। 79 जो है, रिवेटिंग के बजाय लॉक बोल्ट करने में सस्ता फायदा नहीं मिलता है चिप। नेक्स्ट 80 नंबर है, नए वैगन नंबर स्कीम के अनुसार वैगन नंबर अंकों का होना चाहिए, तो वो 11 अंकों का है। नया जो वैगन स्कीम आई है वो 11 अंकों की है, याद रखिएगा, ये प्रश्न जरूर आएगा और इसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा कि किस किस टाइप से 11 को किस किस, पहले के 2 अंक क्या बता रहे हैं, फिर आगे 3 के अंक बता रहे हैं, अंतिम अंक के अंक बता रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में 100% प्रश्न आएगा। तो ये थे साथियों, पार्ट 2 में हम 80 तक करेंगे, फिर 81 से लेकर 110 तक पार्ट 3 में करेंगे। तो ये पार्ट 3 था जो कि समाप्त हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।